उज्जैन जिले के बड़नगर में 19 अप्रैल से अब तक वैद्य परिवार में अभी तक 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। ये चिंता का विषय बना हुआ था, जिसके चलते प्रशासन ने सभी की जांच करने पर उनमें से 4 लोग पॉजिटिव मिले। वैद्य परिवार के अन्य परिजनों को आइसोलेशन में रखा गया है। नगर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के पश्चात कलेक्टर शशांक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने आज बड़नगर का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। स्थिति में जायजा लेने के दौरान एडिशनल SP आकाश भूरिया, SDM एकता जसवाल, तहसीलदार सुरेश नागर, क्षेत्रीय विधायक मुरली मोरवाल, SDOP घनश्याम बामनिया, थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति, CMO कुलदीप इस अवसर पर उपस्थित थे। आगामी सूचना मिलने तक बड़नगर में कर्फ्यू लगा रहेगा, इस हेतु अतिरिक्त पुलिस बल को नगर में तैनात कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने नगर में और तहसील के नागरिकों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही सुरक्षित रहें, नगर में कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकले। नगर में पूरी तरह सभी दुकानें बंद रहेगी। बड़नगर से शांतिलाल परमार की रिपोर्ट। कंटेनमेंट जोन के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार यहाँ पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पूरे शहर में लॉकडाउन भी है, कर्फ्यू भी इम्पोज किया गया है, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। इसमें जो बल तैनात होता है उसको भी प्रिकॉशन लेने के निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया के अंदर जाना और वहाँ पे व्यवस्था बनाना दायित्व रहता है। साथ ही कंटेनमेंट एरिया के जो निवासी हैं उनका बाहर आना अंदर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, वहीं पर अंदर ही सारी व्यवस्थाएँ की जाती है। और जो परिवार में पॉजिटिव मिले हैं या जो फर्स्ट कांटेक्ट में वो भी होम क्वारंटाइन जिसमें किया जाता है उसकी व्यवस्था बनाई जाती है। इसमें लगातार जो लॉकडाउन चल रहा है और कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, अगर ये व्यवस्था ठीक तरह से बनी रहे और जनता इसमें सहयोग करे तो जल्दी हम जितने भी यहाँ पे केसेस हैं उन पर काबू पाएंगे और पूर्ण तरह से इसको वायरस को हटा पाएंगे। नगर में आज मेरे द्वारा कर्फ्यू लगाया गया है, अभी किसी प्रकार से कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं किया गया है। साथ ही जो अंदर का एरिया है उसमें परिवार का सैंपल दिया गया है और कंटिन्यूसली अभी सर्वे की कार्रवाई जारी है। दोनों जगह जनसंख्या की नियम आइडेंटिफाई कर ली गई है और अगर कोई सिम्टोमेटिक है तो उसके सैंपल लिए जाएंगे। साथ ही अंदर जो भी सप्लाईज हैं वो होम डिलीवरी में रहेगा, लोगों को बाहर निकलना अलाउड नहीं है। इसके लिए यहाँ व्यवस्था लोकल SDM CMO के माध्यम से बनाई गई है और उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो यहाँ रिक्वायरमेंट है उसको हम पूर्ति करेंगे। अभी हाइपोक्लोराइड जो यहाँ पर 2 दिन में समाप्त होगा उसके लिए नागदा से और व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ प्रोटेक्शन किट्स रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।